7:15 से 7:30 के बीच में हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फ्यूजन कार्स का जो शोरूम है, जो कि लग्जरी गाड़ियों की रीसेल में काम करते हैं, वहां पर फायरिंग हुई है। उसको जानकारी मिलते ही लोकल पुलिस जितनी भी है वो तुरंत हरकत में आई और मौके पे पहुंचे। उसको कंफर्म होते ही यहां पे क्राइम टीम और बाकी जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम डिस्ट्रिक्ट्स की है उनको बुलाया गया। अभी तक जो जानकारी अवेलेबल है उसमें कुछ एक राउंड फायर होने यहां पे कंफर्म हुए हैं, साथ ही साथ जो शीशे टूटे हैं उनसे कुछ लोगों को इंजरी हुई है। अभी तक किसी को भी किसी तरह की फायर आर्म इंजरी रिपोर्ट नहीं करी गई है हॉस्पिटल से, और जितने भी इंजर्ड हैं वो फिलहाल खतरे से बाहर बताए हैं डॉक्टर्स ने। बाकी क्राइम टीम यहां पे मौके पे काम कर रही है और स्पेशलाइज टीम्स को इस पर केस पे आगे काम करने के लिए लगा दिया गया। कितने बुलेट के शैल, अभी तक वो क्राइम टीम काम कर रही है उस पर, जब वो डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों से शेयर करेंगे। उस वाले एंगल पे भी काम करा जा रहा है, जिस बार डिटेल एक बार डिटेल कंफर्म होंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गैंग का भी इसमें नाम आ रहा है नवीन वाली, जब कंफर्म हो जाएंगी डिटेल्स तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और किस तरीके से फिलहाल जो जानकारी मिली है वो तकरीबन 2 या 3 लोग थे, लेकिन अभी उसकी पुष्टि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी। सर इंजरी कितने लोग इंजर्ड, कितने लोग शख्स को लगे बताया जा रहा है, बीजेपी के नेता भी हैं वो। अभी तक जो डॉक्टर्स ने बताया है उसमें से गनशॉट इंजरी किसी को नहीं है, जो यहाँ पे शीशे टूटे हैं उससे इंजरी बताई जा रही है लोगों को, और 4 लोग अभी तक हताहत बताए। सर कोई पहले थ्रेट कॉल भी मिली थी मालिक को, ऐसा अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, उस पर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।